आज का वरदान सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। संपूर्ण जगत से मन बुद्धि को एकदम डिटैच करें। ये बाहर की दुनिया अलग है और मेरे भीतर रूहानी शक्तिशाली दुनिया है। चहुं ओर से शक्तियों को समेट कर एकाग्र करें। भ्रुकुटी के मध्य अपने सत्य ज्योति बिंदु स्वरूप पर स्वयं ज्ञान के सागर ने सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने मुझे मेरा यथार्थ परिचय दिया है। जड़ता के अंधियारे से देहभान और अभिमान के माया जाल से निकाल कर मुझे ज्ञान प्रकाश में मेरा बाबा ले आया है। इन चर्म चक्षुओं से मैं केवल बाह्य आकृतियों को देख सकती हूँ। परंतु अब इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं बाह्य मुक्ता से पार आत्माओं की भावनाओं को उनके अनादि स्वरूप को गुणों और शक्तियों को भी जान सकती हूँ और ईश्वरीय नजरिए से देखकर उनके प्रति शुभ भावना रख सकती हूँ। महसूस करें ये ज्ञान युक्त दृष्टिकोण जो मेरे संकल्पों को शुद्ध कर रहा है। मेरी बुद्धि की निर्णय शक्ति बढ़ा रहा है। स्वयं बुद्धिमानों की बुद्धि परम पवित्र शिव बाबा की निरंतर याद मेरे मन को अंदर से शक्तिशाली और पावन बना रही है।
हर पल उनकी स्मृति मेरी बुद्धि को दिव्य बना रही है। महसूस करें संस्कारों में आती श्रेष्ठता को, मैं आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तिशाली पवित्र कर्मेंद्रियों से अब इस देह में विराजमान होकर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर जो कुछ भी करती हो वो यथार्थ और शक्तिशाली बन जाता है। महसूस करें दृष्टि वृत्ति स्मृति की पवित्रता को, जो मेरी वाणी को भी वरदानी कल्याणकारी बना रही है। मेरे कर्मों को सिद्धि स्वरूप बना रही है। मैं जो सोचती हूँ वही बोलती और वैसा ही करती हूँ। मेरी कथनी करनी रहनी सब समान बन रही है। अनुभव करें करण करावन हार का, ये वरदानी हाथ और हर पल का हर कर्म का साथ। मुझे त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा है। मैं समय स्थिति व्यक्ति को परख कर आदि मध्य अंत के राज को समझकर राजयुक्त योगयुक्त युक्ति युक्त हो हर कर्म रूपी बीज को स्वतः फलीभूत कर रही हो। फील करें इस ज्ञानी योगी तो आत्मा स्वरूप को ओम शांति।